नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स फ्रॉम द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, एमएस यूनिवर्सिटी। मैं आप सभी दोस्तों को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, सेकंड ईयर बीकॉम हॉनर्स सेमेस्टर थ्री की जो इंटरनल एग्जाम है वो चल रही है और कल सेकंड पेपर है, यानी कि 15 अक्टूबर को मैक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का। मैक्रो इकोनॉमिक सब्जेक्ट के पेपर्स के लिए मैं आप सभी को जो प्रैक्टिस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं वो मैं शेयर करना चाहूँगा यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 में से। तो आप सभी लोग राइट डाउन करें, और ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस रेगुलर लेक्चर्स के अकॉर्डिंग है जो प्रोफेसर्स ने पढ़ाया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर आईसी एनालिसिस एंड यूटिलिटी एनालिसिस। याद रखना, क्वेश्चन नंबर 1, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर आईसी एंड एनालिसिस एंड यूटिलिटी एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी, प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी। क्वेश्चन नंबर 3, टाइप्स ऑफ प्राइस एंड इनकम एंड इलास्टिसिटी। ये आपको करना रहेगा यूनिट नंबर 1 में। यूनिट नंबर 2 की बात करें तो यूनिट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोरेशन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। एंड क्वेश्चन नंबर 3, रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू स्केल। तो ये यूनिट नंबर 1 और 2 के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे वो मैंने आपको शेयर किए। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आप करोगे तो कहीं ना कहीं एक हेल्प मिलेगी आपको एग्जाम के अंदर। रही बात जो एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यू मैं आपको थोड़ी ही देर में शेयर कर दूंगा मेरे इंस्टाग्राम के पेज पर, या फिर अर्ली मॉर्निंग में शेयर कर दूंगा, तो आप उसको भी लर्न कर सकते हो। और नेक्स्ट के सभी आईएमपीस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए, आईएमपी तो नहीं कह सकते लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए, आप सभी लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ सकते हो, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए। नमस्ते।